सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को आवास दिलाने के दावे किए गए हैं, लेकिन धरातल पर तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी सिर पर छत पाने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आगरा के 52 साल के बुजुर्ग दंपत्ति 13 साल से मकान के लिए बैसाखी के सहारे नगर निगम तो कभी तहसील या फिर कभी जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मकान नहीं मिल पाया। आगरा के जगदीशपुरा सेंट्रल जेल के पीछे रहने वाले 52 साल के सर्वेश कुमार और उनकी 50 साल की पत्नी गुड्डू देवी ने शायद ही ऐसा कोई कार्यालय छोड़ा होगा जिसकी चौखट पर अपनी अर्जी न लगाई हो। पिछले 13 साल से उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन अधिकारियों का दिल पसीज जाएगा और उनके सिर पर खुद की छत होगी। सर्वेश कुमार ने सालों पहले काशीराम आवास योजना में आवेदन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आवास नहीं मिला। दादा अपना नाम बता दो। मेरा नाम है सर्वेश कुमार। कहाँ रहते हैं? हम सेंटर जेल के पीछे नगला पेड़ रहते हैं। अच्छा, आए कब से मकान के लिए घूम रहे हैं? मकान सालों से हमारे पिताजी 13 सालों से मकान के लिए घूम रहे हैं। आपके नगर निगम डीएम कार्यालय और तहसील दिवस में जाते हैं, भागते भागते पिताजी, और इस समय घर पर पड़े हुए हैं, मकान नहीं मिला। अब मैं विकलांग हो गया हूँ एक्सीडेंट से, तो अब विकलांग होने के बाद अब मैं भी आया हूँ डीएम साहब के कार्यालय, और उनको मैंने कागज़ दिए, उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है और मुझे मकान मिलने की शायद उम्मीद है। ये बताओ, परिवार में कौन कौन है, कैसे घर चलता है? मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे बड़े बूढ़े माता पिता हैं, आँखों से दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, आँखें बनी हैं उनकी। ये मेरी बगल में घरवाली हैं, और ये आपके ये कोठी पे काम करती हैं, चौका बर्तन करती हैं, तब घर का खर्चा चलता है। फिलहाल कैसे रहते हैं? अब तो ये है, मैं अकेली ये तीनों का खर्चा चला रही हैं, घर का बर्तन, और किराए के मकान में रहती हैं। क्या कमी बता दी जाती है आपके कागजों में? मेरे कागज में कमी, भागते भागते कमी ये, क्या काशीराम योजना के मकान का हमें दे दिया था, लेकिन क्या है कि काशीराम योजना का मकान मेड़ापुर में पठौली के पास दे दिया था। 320 मकान हैं, वो भी पूरे भरे हैं, तो भरा हुआ मकान को जब हमने निकलवाया व्हाट्सएप पे उस पर, तो वो पूरे भरे पड़े हैं, तो इसलिए उसमें खाली नहीं था, इसलिए फिर हम कागज़ लेके दोबारा आए यहाँ कार्यालय, और यहाँ उम्मीद डीएम साहब ने हमारी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, मतलब जो है उम्मीदें बना दी है, तो शायद हमें उम्मीद है कि डीएम साहब के आदेश से शायद हमें छत मिल जाए, 4 आदमी की जिंदगी बच जाएगी।